निसार युग गाड़ी से उतरे तो फरीदा भी बाहर आ गई और उनके पीछे आते हुए बोली, सुनिए क्या हुआ? निसार अयूब ने रुक कर पूछा। वो नाज़नीन को वॉशरूम की शदीद ज़रूरत है, परेशान हो रही है, फरीदा ने कहा। लेकिन यहाँ कहाँ जाएगी? निसार अयूब ने इधर उधर नजरें घुमाई। बाएं हाथ एक और झीली सड़क थी और सात क्वार्टर नुमा घर बने हुए थे। उन्होंने कहा, यही किसी घर में जाना होगा। ठीक है, मैं ले जाती हूँ, फरीदा ये कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। बेगम एक मिनट, निसार अयूब ने उन्हें रोका। मैं ज़रा प्रोफेसर मुजाहिद को फ़ोन करके आ जाऊँ, फिर आप ले जाइएगा। अच्छा, फरीदा ने इस बात में गर्दन हिलाई और गाड़ी में जा बैठी। दो मिनट बाद ही निसार अयूब स्टोर से बाहर आ गए और नाज़नीन को वॉशरूम ले जाने का ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा, जल्दी वापस आ जाए। 10-15 मिनट में दोनों की वापसी हो गई। घर के मुकीम बाखलाक थे, उन्होंने खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि चाय पीने की पेशकश की। नाज़नीन जो वहशत ज़दा और उलझी हुई सी दिखाई दे रही थी, वो अब शांत हो चुकी थी। वापसी पर जाने क्यों इस कदर ट्रैफिक जाम हो गया कि घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र 3-4 घंटे में कटा। जब घर पहुंचे तो थकन से सबका बुरा हाल था। रात को प्रोफेसर मुजाहिद निसार अयूब के घर आ गए। उन्होंने तफसील से सारा हाल सुना और फिर अपने मखसूस अंदाज में बोले, प्यारे भाई, आपका दौरा कामयाब रहा। वो जहाँ से आया था उसे वहीं वापस भेज दिया है। इसने आखिरी कोशिश के तौर पे बहू को गाड़ी से निकालकर झाड़ियों में ले जाने की कोशिश की थी, जिसे भाभी ने नाकाम बना दिया। अगर नाज़नीन बेगम के कंट्रोल में ना आती और झाड़ियों में चली जाती तो सवाल हुआ तो कुछ ना होता, थोड़ी बहुत पेचीदगी हो जाती, हम संभाल लेते, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। अब क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है, प्रोफेसर मुजाहिद मुस्कुराकर बोले। इसके अलावा? निसार अयूब ने पूछा। आप ज़रा बहू को बुलवाएं, मैं एक नज़र देख लूँ, फिर आगे का बताता हूँ। ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे में जाकर उन्होंने अली निसार को आवाज़ लगाई, अली ज़रा बहू को तो लेकर आओ। जी अच्छा अबू जान, अंदर से आवाज़ आई। घुटने की तकलीफ कैसी है? कम है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। एक आध हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई एहतियात वगैरह? बस मगरिब के बाद बहू को घर से बाहर ना निकले, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। और अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो मगरिब के आध घंटे के बाद घर से निकले और टेलीफोन पर मुझे बता दें। ठीक है, निसार अयूब ने कहा। इतने में नाज़नीन अली निसार के साथ ड्राइंग रूम में आ गई। प्रोफेसर मुजाहिद ने उन्हें अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया, एक नज़र अध खुले चेहरे पर डाली और दोनों हाथों के नाखूनों को बगौर देखा और एक पुरसकून सांस लेकर बोले, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसके बाद नाज़नीन से मुखातिब हुए, बस जाए बेटा, अल्लाह ने आप पर बड़ा करम कर दिया। नाज़नीन ने अदब से प्रोफेसर मुजाहिद को सलाम किया और अली निसार के साथ ड्राइंग रूम से निकल गईं। नाज़नीन के जाने के बाद प्रोफेसर मुजाहिद निसार अयूब से मुखातिब होकर बोले, सैलाब हमेशा तबाही लाता है, जब वो वापस जाता है तो अपनी तबाही के निशानात छोड़ जाता है। इन खबीसों का भी यही वतीरा है, जब किसी लड़की को जकड़ते हैं तो इसे तोड़ फोड़ कर रख देते हैं और वापसी पर अपने असरात छोड़ जाते हैं। अल्लाह मालिक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पानी की एक बोतल मंगाओ, मैं पानी दम कर देता हूँ, बहू वो पीती रहे, पानी ख़त्म होने लगे तो इसी में और मिला ले। ठीक है। हाँ एक और बात, फिर जो बात प्रोफेसर मुजाहिद ने बताई वो खासी चौंका देने वाली थी। इधर दिलदार बख्श और खालिद कुरैशी की गाड़ी ने कलाबाजी खाई और इधर माई पंखी कोयले से लकीर खींचती खींचती रुक गई। इसने अचानक एक ज़ोरदार धमाके के साथ आग के शोले उठते देखे। नहीं माने ना, अब भुगतो, जिंदा जलो आग में, माई पंखी गुस्से से बोली। अनारा चारपाई पर बैठी माई पंखी को बगौर देख रही थी। इसने अनारा को आज की रात दूसरा घर दिखाने की बात की थी। माई पंखी 6 घर बना चुकी थी, 7वां बनाने जा रही थी कि एकदम गुस्से में आ गई। अम्मा क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही है? अनारा ने पूछा। अंजू, 2 पुलिसिए हैं, मना किया था कि कागज मत देखना लेकिन नहीं माने, अब बंद गाड़ी में पड़े झुलस रहे हैं, मैं क्या करूं? माई पंखी बोली। अच्छा चल दफा कर इन्हें, आजा हम अपना खेल शुरू करते हैं। उसने फिर 7वां घर मुकम्मल किया और फसकड़ा मारकर बैठ गई और अनारा से बोली, चल अंजू चल आजा, दूसरे घर में बैठ जा। अनारा उसी अंदाज में जिस तरह माई पंखी बैठी थी दूसरे घर में विराजमान हो गई। माई पंखी ने गले से भारी तावीज़ उतार कर इसे बाएं हाथ पर रखकर मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली और अनारा से बोली, देख अंजू देख। यकदम अनारा के सामने एक मंजर खिला।
एक 13-14 साल की लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग लटकाए गली में जाती नजर आई। ये एक चौड़ी गली थी। आमने सामने घरों के दरवाजे थे, छोटे छोटे घर, निचले मुतवस्सित तबके की बस्ती। ये 13-14 बरस की लड़की नवीं क्लास की तालिबा थी। उठान अच्छी थी, लिहाजा अपनी उम्र से 2 बरस बड़ी नजर आती थी। गोरी चिट्टी दिलकश आंखें, मशहूर कुन सरापा। गली मोहल्ले के हर लड़के की उस पर नजर थी, लेकिन वो अपनी नजरें हमेशा नीची रखती। इसे मालूम ही ना होता कि कौन लड़का कहाँ खड़ा है और कौन इसके पीछे चल रहा है। गली के आखिर में एक छोटा सा चौक था, वहाँ 2-4 दुकानें थीं, इन्हीं में एक पनवाड़ी भी था। बाप के अचानक इंतकाल के बाद इसके 16-17 साल लड़के ने दुकान संभाल ली थी। इसकी दुकान पर मोहल्ले के नौजवान ओबाश लड़के खड़े रहते थे, जो हर आने जाने वाली लड़की को देखकर इस पर कोई जुमला कसना या कोई गाना गाकर अपनी नासूदा ख्वाहिशों का इजहार करना फर्ज अवलीन समझते थे। नवी क्लास की ये तालिबा अफशां इनके खास निशाने पर थी, लेकिन उसकी शराफत के सामने इनकी कोई पेश नहीं चल रही थी। अफशां अपने पड़ोसी लड़की ताहिरा के साथ स्कूल जाया करती थी। ताहिरा को नजरें नीचे रखने की आदत न थी। वो स्कूल जाते हुए इर्द गिर्द खड़े लड़कों के बारे में अपनी रनिंग कमेंट्री जारी रखती थी। अफशां इसको कितना ही टोकती, लेकिन इसकी सेहत पर कोई असर न पड़ता। इस कमेंट्री का नतीजा ये निकला कि अफशां के कान आंखें बन गए। वो काफ़ी अरसे से किसी असद नामी लड़के के बारे में सुन रही थी, जो इनके ताकों में रहता था, लेकिन इसने कभी कोई ऊंची हरकत नहीं की थी। वो बस खामोशी से इनके पीछे चलता और स्कूल से वापस लौट जाता था। ताहिरा अक्सर इसे उकसाती, नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखने की फरमाइश करती, ये बावर कराने की कोशिश करती कि वो सिर्फ अफशां के लिए आता है। अफशां इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। ताहिरा ने जब देखा कि अफशां का दिल का मुंह पिघलता ही नहीं, तो इसने एक नया गुल खिलाया। एक दिन बेचैन ताहिरा ने अपने पास से गुजरते असद से बड़े रसान से कहा, यूँ आखिर कब तक पीछा किए जाओगे, कुछ मुंह से तो बोलो। ताहिरा की इस हरकत पर अफशां ने इसके जोर से चुटकी ली। वो बिलबिला उठी, मुझे क्यों नोचती है, इस गूंगे से क्यों नहीं पूछती। फिर एकदम ख्याल आया, क्या पता कहीं ये सचमुच गूंगा ना हो। असद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया, वो कुछ नहीं बोला। इसके आगे जाने के बाद अफशां ने ताहिरा की अच्छी खासी खबर ली। इसे शरीर गुस्सा आया था, इस गुस्से में इसने ताहिरा से दोस्ती तोड़ ली। आज वो अकेली स्कूल गई और वापस आई थी। इसे सबसे ज्यादा परेशानी पान की दुकान पर खड़े लड़कों के करीब से गुजरते हुए होती थी। ताहिरा साथ होती तो वो हिम्मत करके वहां से गुजर जाती थी। आज स्कूल जाते इस दुकान के सामने से गुजरते ही पसीने आ गए थे। एक दो लड़कों ने उसका पीछा भी किया था। इन्हीं में से किसी लड़के ने फिल्म मुकालते बोलते हुए इसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की थी। नज़दीक ही असद मौजूद था। वो कदो काट का अच्छा था। इसने सूखे सड़े लड़के की अच्छी खासी पिटाई कर दी थी और इसे बहिफाजत स्कूल तक छोड़ कर गया। स्कूल के गेट के नज़दीक पहुँच कर अफशां चंद लम्हों के लिए रुकी। जैसे ही असद इसके करीब आया, इसने पहली बार नज़र उठाकर असद को देखा और धीरे से बोली, आपका शुक्रिया। फिर शुक्रिया अदा करके वो वहाँ रुकी नहीं। इसने असद का जवाब भी सुनने की कोशिश नहीं की थी। असद अच्छे डेल डोल का 18-19 साल का वजीह लड़का था। वो एक नज़र में इसकी आंखों में बस गया। इसके बाद खतूत का सिलसिला शुरू हुआ और चलता रहा। अफशां मेट्रिक में पहुँच गई। अब इसे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त हर जगह असद का ख्याल रहने लगा। इसके अंदर की कैफियत बदल गई। वो जो इन मामलों से दूर भागती थी, अब इस मामले में अंदर तक उतर गई। ताहिरा से फिर दोस्ती हो गई। जो बातें इसे पहले बुरी लगती थी, अब वो बातें अच्छी लगने लगी। अपने दिल का हाल तमाम कहने के लिए इसने ताहिरा को राजदार बना लिया। असद ने अब बाहर मिलने का तकाजा शुरू किया। इसके बेहद इसरार पर वो ताहिरा के साथ एक पार्क में मिलने लगी। ताहिरा पार्क में जाकर अलग हो जाती और वो दोनों किसी तन्हा बेंच पर जा बैठते। ऐसा 2-3 बार हुआ। असद को ताहिरा की मौजूदगी खटकती थी। वो चाहता था कि ताहिरा इनकी मुलाकातों में हायल ना हो, लेकिन अफशां खौफज़दा रहती थी। ताहिरा की वजह से उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अफशां के वालिद और भाई एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजिम थे। देखे जाने की सूरत में इस पर क़यामत टूट सकती थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकली तो असद गाड़ी लिए सामने खड़ा था। इसने अफशां और ताहिरा को साथ बिठाया। रास्ते में इसने अफशां को बताया कि वो इसे अपनी बड़ी बहन से मिलाना चाहता है। वो इसे मिलने के बाद अम्मी से सिफारिश करेंगी, फिर अम्मी अब्बू इसके घर आएंगे। ये एक अच्छी खबर थी। अफशां चाहती थी कि ताहिरा भी साथ चले, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया, तो असद ने ताहिरा को घर के नज़दीक छोड़ा
और इसे लेकर आगे बढ़ गया। असद एक बातूनी लड़का था। वो रास्ते भर अफशां को शादी के ख्वाब दिखाता आया। अफशां बहुत खुश थी कि इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का आया था जिसने इससे कभी कोई गैर अखलाकी बात ना की थी। अब वो इसे बड़ी बहन से मिलाने ले जा रहा था कि शादी में हायल रुकावटें दूर हों। जब वो दोनों हंसते मुस्कुराते सीढ़ियाँ चढ़ते आखिरी यानी चौथे फ्लोर के एक फ्लैट के दरवाजे पर पहुँचे तो असद ने एक ऐसी हरकत की कि अफशां परेशानी में मुब्तला हो गई। और बात थी भी परेशानी की। असद ने जीन्स की जेब से एक लंबी चाबी निकाली और दरवाजे में लगे ताले के सुराख में डाल दी और इसे देखकर मुस्कुराया। ये आपकी बहन का घर है? अफशां ने परेशान होकर पूछा। हाँ, असद ने पूरे एतमाद से चाबी घुमाई। वो कहाँ है और इनके घर की चाबी आपके पास क्यों है? अफशां की घबराहट बदस्तूर थी। असद दरवाज़ा खोलते खोलते रुक गया और इसकी तरफ पलटते हुए बोला, बाजी एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे स्कूल से आने में देर हो जाए तो परेशान ना होना, ये डुप्लीकेट चाबी रख लो, दरवाज़ा खोलकर इत्मीनान से बैठ जाना और अफशां को कोल्ड ड्रिंक पिलाना ना भूलना। इतना बोलकर इसने अफशां की तरफ देखा। अब तुम बैठना ना चाहो तो वापस चलते हैं। ये कहकर इसने अफशां के जवाब का इंतज़ार ना किया, दरवाज़ा लॉक किया और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। आओ चले। नहीं असद, बाजी बुरा मानेंगी, कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं, अफशां बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर इसने तेज़ी से ताले में चाबी घुमाई और दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर आने की जगह दी। जब वो अंदर आ गई तो असद ने लाउंज की लाइट रोशन की। अगरचे दोपहर का वक्त था लेकिन फ्लैट में अंधेरा था। लाउंज में चार कुर्सियों वाली छोटी शीशे की डाइनिंग टेबल पड़ी थी। अफशां ने अपना बैग टेबल पर रखा, लाउंज में चारों तरफ नजरें घुमाई। असद ने दरवाज़ा लॉक किया और चाबी ताले में लगी छोड़ दी। फिर इसने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई और अफशां से पूछा, कहाँ बैठेंगी मोहतरमा? असद, यहीं बैठ जाते हैं, अफशां डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो चाहती थी कि दरवाजे के करीब रहे। इसका मतलब है कि अफशां साहिबा को खासी भूख लगी है, असद ने शरारत से कहा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, अफशां चोर सी बन गई। बाजी का घर देख लो, फिर जहाँ मिल जाए बैठ जाना। असद ने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए। इस फ्लैट में दो बेडरूम्स थे। नफासत से सजे हर कमरे से बहन का सलीका झलकता था। असद बेडरूम्स की लाइट जली छोड़कर इसे लाउंज में ले आया और बोला, जी अफशां, कहाँ बैठेंगी? यहीं बैठ जाते हैं, अफशां ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचते हुए कहा। भाई, इससे पहले कि बाजी आ जाए हमें कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए, वरना वो आते ही मेरी पिटाई करेंगी, आखिर को वो हेड मिस्ट्रेस हैं, असद फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोला। अफशां मुस्कुरा कर रह गई। असद ने ठंडे मशरूब की बोतल निकाली। इसमें बमुश्किल एक डेढ़ गिलास मशरूब नजर आ रहा था। उसने दो गिलास और बोतल मेज पर रखी, ढक्कन खोलकर मशरूब गिलास में उंडेला। इस बोतल में इतना ही मशरूब था कि गिलास भर सका। भरा गिलास असद ने अफशां की तरफ बढ़ाया। लीजिए मोहतरमा, आप शुरू कीजिए, मैं अकेली पीऊँगी क्या? अफशां दूसरे खाली गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, आधा आधा कर लेते हैं। अरे नहीं, असद खाली गिलास अपने कब्जे में करते हुए बोला, फ्रिज में एक बोतल और है, मैं वो निकालता हूँ, देख लें बोतल है भी कि नहीं। अफशां हंसकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बाजी ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं कर सकती कि फ्रिज में बोतल ना हो और पीने की दावत दे दे, असद ने बड़े यकीन से कहा। फ्रिज में नई बोतल मौजूद थी। इसने ढक्कन खोल कर अपना खाली गिलास भर लिया और इसके सामने आ बैठा। फिर घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, पता नहीं बाजी कब आएंगी, मेरा ख्याल है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर निकलते हैं, बंद घर में बैठने से कहीं बेहतर है कि बाहर निकलें, चलो समंदर पर चलते हैं। चलेंगे, पहले बाजी से तो मिल लें। अफशां के दिल में खाली फ्लैट देखकर जो हॉल उठा था वो असद की बातों की वजह से ख़त्म हो गया था। वो पुरसकून हो गई थी। इसे यकीन आ गया था कि असद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये घर असद की बाजी का था, मगर बाजी ने अफशां को मुलाकात के लिए घर बुलाया था, ये 100% झूठ था। बाजी बेचारी अपनी फैमिली के साथ क्वेटा गई हुई थी। चाबी वो अपनी माँ को दे गई थी कि असद को भेजकर घर चेक करवा लें, क्योंकि बंद घर चोरों और डाकुओं के लिए इंतहाई कशिश रखता है। बहन का खाली घर देखकर असद ने डाके की मनसूबाबंदी कर ली थी। इस वक्त डाके का पहला सीन जारी था। कोल्ड ड्रिंक में पहले से ख्वाब आवर दवाई मिलाई जा चुकी थी। शिकार अपने अंजाम से बेखबर खुशी खुशी मशरूब नोशे जा कर रहा था और शिकारी की आंखों में ग्लास खाली होते देखकर नशा बढ़ता जा रहा था। असद ने ग्लास उठाकर मशरूब का आखिरी घूंट लिया और अफशां को इस तरह का तासुर दिया
जैसे वो इस इंतजार में है कि कब अफशां ग्लास खाली करे और वो लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करे। उजलत के इस तासुर ने अपना काम दिखाया। अफशां ने जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक के घूंट भरे और ग्लास खाली कर दिया। असद ने दोनों ग्लास किचन में जाकर धोए, बोतल फ्रिज में रखी और अफशां की तरफ देखा। हाँ अफशां, चले बाजी तो आई नहीं। जी, अफशां ने जवाब दिया, लेकिन उसे ये याद ना रहा कि असद ने उससे क्या कहा था जिसके जवाब में उसने जी कहा था। इसके दिमाग में गुबार सा भर गया था। इससे कबल कि वो बेसुध होकर कुर्सी से गिरती, असद ने उसे थाम लिया और उठाकर बेडरूम में ले आया। 2-3 घंटे के बाद जब अफशां को होश आया तो उसे अपनी तही दामनी का एहसास हुआ। शिकार हो जाने पर इसके दिल में शदीद टीस सी उठी। इसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी। वो तकिए में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने लुटने का एहसास तो था ही, ये गम इससे सवा था कि असद ने इसके साथ धोखा किया था, इसका एतमाद पारा पारा किया था। असद ने हाथ जोड़ कर इससे माफी मांगी और कहा कि गहरी नींद में इसका हुस्न बिलाखेज देख कर वो खुद पर काबू न रख सका। ये न बताया कि कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली किसने डाली थी। इसने बहन के बारे में बताया कि वो स्कूल में टीचर्स की मीटिंग में फंस गई थी इसलिए आ न सकी। ये ना बताया कि वो इस शहर में ही नहीं थी और आइंदा इनसे मुलाकात का कोई इम्कान भी नहीं। असद ने इसके आंसू पोंछ कर तसल्ली दी कि वो बहुत जल्द अपने वालदैन को इसके घर भेजेगा। अगर वालदैन ना माने तो इससे कोर्ट मैरिज कर लेगा, इसे अपना बना लेगा, वो परेशान ना हो। लेकिन परेशानी तो इसका मुकद्दर हो चुकी थी। वो अफशां को गाड़ी में बिठाकर इसे घर के करीब छोड़ गया हमेशा के लिए। घर का दरवाज़ा खुला था। वो घर में दाखिल हुई तो माँ किचन में चाय बना रही थी। अफशां किचन के सामने से गुजरती हुई कमरे में चली गई। बैग रखकर अभी वो शूज उतार ही रही थी कि माँ अंदर आ गई और आते ही सख्त लहजे में बोली, कहाँ थी तू? अफशां एक सीधी सादी लड़की थी। इसकी समझ में कुछ ना आया कि वो माँ से क्या कहे, लेकिन जवाब बहरहाल देना ही था। वो इतना ही कह सकी, अम्मी मैं स्कूल में थी, टीचर ने रोक लिया था। झूठ बोलती है तू, मैं ताहिरा के घर गई थी, इसने मुझे बता दिया है कि तू किसी के साथ गई थी। माँ ने इसकी उजड़ी सूरत देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो क्या करके आ रही है। इसने अफशां का जूता उठाया, उसे मारने लगी। बता तू किसके साथ गई थी? वो चुपचाप पिटती रही और रोती रही। वो क्या जवाब देती? इसके पास कोई जवाब ना था। इसका जिस्म ही नहीं, रूह भी जख्मी थी। जब माँ मार मार कर थक गई तो उसने जूता फेंक दिया। तब अफशां ने माँ का हाथ पकड़ कर कहा, अम्मी मुझे और मारे, इतना मारे कि मैं मर जाऊँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। होने वाली बात हो कर रही, कोई टोना टोटका कोई गोली काम ना आ सकी। जब किसी का आना ठहर गया तो अफशां की माँ जाहिदा की रूह तक कांप गई। रुसवाई और बदनामी ने इसका घर देख लिया था। अफशां से ज़्यादा जाहिदा की हालत ख़राब थी। जो होने वाला था वो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार ना थी। जाहिदा अफशां को एक करीबी क्लिनिक लेकर पहुंची। जाहिदा ने लेडी डॉक्टर की मिन्नत समाजत की, इसके पांव तक पकड़े कि वो किसी तरह अफशां को इस मुसीबत से निजात दिला दे। लेकिन उसूल पसंद डॉक्टर टस से मस ना हुई। वो कातिल डॉक्टर बनने के लिए हरगिज़ तैयार ना थी। नहीं बीबी, मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती। बिल आखिर उसने हतमी अंदाज में फैसला सुना दिया, डॉक्टर साहिबा अगर आपने हमें रसवाई से निजात ना दिलाई तो मैं अपनी बेटी को जहर दे दूंगी। जाहिदा ने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा। लेडी डॉक्टर के पास इस बात का कोई जवाब ना था। वो खामोशी से उसे देखती रही। जाहिदा अफशां को लेकर क्लिनिक से निकल गई, लेकिन लेडी डॉक्टर के दिल में फांस सी चुभ गई। वो माँ का दुख समझ सकती थी, लेकिन इसके पास दुख का मदावा ना था। बस वो बेबसी से सोचती रह गई। लेडी डॉक्टर के हतमी फैसले की तरह जाहिदा ने भी हतमी फैसला कर लिया था। अगर डॉक्टर इसकी बेटी को रसवाई से निजात दिलाने से कासिर थी तो क्या हुआ, वो खुद तो बेबस ना थी। वो अपनी अफशां को इस रसवाई से निजात दिलाने पर कादिर थी। उसी रात इसने अफशां को उसके आखिरी अंजाम से दूचार करने का पुख्ता इरादा कर लिया। जब घर के सब अफराद सो गए तो जाहिदा ने अपनी बराबर सोई हुई अफशां को उठाया। उठ जा बदबख्त। अम्मी क्या हुआ? अफशां आंखें मलती हुई उठ गई। अभी कुछ और होने को बाकी रह गया है, जाहिदा ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा। जा नहा करा। अम्मी क्यों, ये कौन सा वक्त है नहाने का? अफशां हैरान थी। अब तुझे ऊपर जाना है, अच्छा होगा कि नहा धोकर जाए, जाहिदा ने अजीब लहजे में कहा। ठीक है अम्मी। अफशां को जैसे सारी बात यकलख्त समझ में आ गई। वो उठकर गुसल खाने में चली गई। 10 मिनट के बाद वो वापस आई तो इसके चेहरे पर बड़ा निखार था। चिराग बुझने से पहले भड़कता है,
इसका चेहरा इसी कैफियत का खामास था। जाहिदा ने इसके चेहरे पर से फौरन नजरें हटाते हुए कहा, बैठ। अफशा जाहिदा का हुक्म सुनकर बेड पर बैठ गई। जाहिदा ने लकड़ी की अलमारी से बोतल निकाली, वो एक शॉपर में लिपटी थी। जाहिदा ने बोतल शॉपर से निकाली और अफशा को देते हुए बोली, ले मेरी जान, पी जा इसे। अम्मी, तुमने मेरी जान कहा, अब ये सफ़र मेरे लिए आसान हो गया, लाओ बोतल दो मुझे। अफशा ने माँ के हाथ से बोतल ले ली, फिर इसने बोतल का ढक्कन खोला, अपना चेहरा ऊपर उठाया, मुंह खोला और तेज़ी से तेज़ाब पीती चली गई। तेज़ाब के अंदर जाते ही इसकी हालत ख़राब हो गई, वो बुरी तरह कराहने लगी। तभी अनारा चीख पड़ी, अम्मा अम्मा, इस मंजर को हटा मेरे सामने से, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मेरे जिस्म में आग सी लग गई है। माई पंखी एकदम चौंकी और धीरे से बोली, अच्छा सब्र कर। ये मंजर इंतहाई दिलखराश था। अफशा का सयाल आग में जलता वजूद, इसका तड़पता जिस्म किसी भी इंसान को खून के आंसू रुला सकता था। माई पंखी ने मुट्ठी खोलकर तेजी से कुछ पढ़ा और दूसरे घर में बैठी अनारा पर फूंक मारी। अनारा की आंखों के सामने एकदम गहरा अंधेरा छा गया। अफशा का तड़पता वजूद इसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। बस अनारा गहरे अंधेरे में गहरे सांस लेती रह गई। इसे लगा तेजाब अफशा ने नहीं, इसने खुद पिया था। अभी तक इसके वजूद में आग लगी हुई थी, वो इस दिल दहलाने वाले मंजर को भुला नहीं पा रही थी। चल उठ जानजू, माई पंखी ने चांदी का भारी तावीज अपने गले में डालते हुए कहा और खुद भी सातवें घर से निकल आई। वो चारपाई पर लेट गई, इस पर शदीद थकनदारी थी। अनारा अपने हवास पर काबू पाते हुए दूसरे घर से निकल आई और चारपाई की पाइंती के जाने बैठ गई। इसने माई पंखी की लकड़ी की तरह सूखी टांगों को अपनी गोद में रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। माई पंखी अपना एक हाथ आंखों पर रखे कुछ देर यूं ही लेटी रही, फिर अचानक बोली, अंजू अभी तूने जो कुछ देखा वो किसकी जीवन कथा थी? अम्मा मुझे नहीं मालूम, अनारा ने जानते बूझते इनकार किया। जन्म जली, ये तेरी जीवन कथा थी, तेरा दूसरा घर। माई पंखी ने अपने पांव सिकोड़ते हुए कहा, जा अब अंदर चली जा। जाती हूँ अम्मा, अनारा उठते हुए बोली, तू मुझे अपने पास बैठने क्यों नहीं देती? तू मुझ बुढ़िया के पास बैठकर क्या करेगी? माई पंखी ने हंसकर कहा, वैसे भी मेरे पास वक्त कहाँ होता है, चल जा अब तू। अनारा कोई जवाब दिए बगैर कमरे की तरफ बढ़ गई। देखो प्यारे भाई, इतना याद रखो कि वो खबीज बहू के वजूद से निकल जरूर गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सैलाब की तरह अपने असरात छोड़ गया है। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही बहू का पाँव भारी हो मुझे फौरन बता देना। बच्चे की विलादत तक हमें बहू का खास ख्याल रखना होगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। प्रोफेसर मुजाहिद उठते हुए बोले, इसका मतलब कि ये सिलसिला अभी रुका नहीं? निसार अयूब साथ चलते हुए बोले, बस यूँ समझ लें कि हाथी निकल गया है, इसकी दुम बाकी रह गई है, या यूँ कह लें कि पलकों की सुइयाँ रह गई हैं, जो अच्छा लगे वो समझ लें। पर हकीकत यही है कि अभी आखिरी मरहला बाकी है, अल्लाह बेहतर करेगा, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। निसार अयूब से हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। ये आखिरी मरहला ज़रूर था, लेकिन किसी मार्के से कम ना था। पाँव भारी होते ही प्रोफेसर मुजाहिद को मुतला किया गया। उन्होंने उसी दिन मगरिब के बाद हाजिरी दी, बहू को अपने सामने बिठाकर दो तीन मिनट कुछ पढ़ा, पानी भरे ग्लास पर दम किया और नाज़नीन को पिला दिया और बगैर एक लफ्ज़ बोले घर से निकल गए। दो घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि अली निसार को मेरे पास भेज दे। निसार अयूब ने फौरन अली को प्रोफेसर मुजाहिद के घर रवाना कर दिया। प्रोफेसर मुजाहिद ने अली निसार को नाज़नीन के पेट पर बांधने के लिए एक गंडा दिया और कहा, बहू से कहना कि इसे हर वक्त पेट पर बांधे रखे, इसे किसी भी सूरत उतारे नहीं। जी अच्छा, अली निसार मुअद्दबाना लहजे में बोले, मगरिब के बाद घर से निकलने पर सख्त पाबंदी है। प्रोफेसर मुजाहिद ने एक और हिदायत दी, ये पाबंदी कम अज़ कम 3 माह रहेगी, 3 माह बाद बहू घर से बाहर जा सकेगी, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर नहीं। जी ठीक है, अली निसार ने कहा। 2-2.5 माह खैरियत से गुजर गए, फिर एक वाकया हुआ। नाज़नीन और अली निसार दोपहर का खाना खाकर अपनी खाला के घर से वापस आ रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, फ्लैट की आखिरी 5-6 सीढ़ियाँ रह गई थी कि अचानक अली निसार को जाने क्या हुआ कि वो लुढ़कते हुए नीचे आ रहे। नाज़नीन इनसे 2 सीढ़ियाँ पीछे थी, अपने शोहर को गिरते देख कर इनकी चीख निकल गई। वो कम सीढ़ियों से गिरे थे, लिहाजा किसी गहरी चोट से बच गए।
बस हाथों और कोहनी पर मामूली चोटें आईं। निसार अयूब ने फ़ोन करके प्रोफेसर मुजाहिद को इस वाक़े से मुतला किया। उन्होंने अली निसार से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। जब अली निसार फ़ोन पर आए तो प्रोफेसर मुजाहिद ने अपने मखसूस लहजे में कहा, हाँ भाई, कहाँ गिरते फिर रहे हो, क्या हुआ था? जवाब में अली निसार ने वाक़या बयान किया। क्या सीढ़ियों पर कोई फिसलन वगैरह थी? प्रोफेसर मुजाहिद ने पूछा। तुम्हारा पाँव फिसला था? नहीं, पाँव नहीं फिसला, बल्कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने धक्का दिया है, अली निसार ने बताया। लेकिन पीछे तो तुम्हारे तुम्हारी बेगम थी, क्या उन्होंने धक्का दिया था? प्रोफेसर मुजाहिद बोले, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, अली निसार ने कहा। हो सकता है ये मेरा वहम हो। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, प्रोफेसर मुजाहिद ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। 15-20 दिन आराम से गुजर गए, फिर एक मसला खड़ा हुआ। आधी रात को अचानक नाजनीन की आंख खुल गई। कमरे में घोर अंधेरा था, नाइट बल्ब भी रोशन न था। उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा था। उसकी दहशत से आंख खुली थी। कमरे में अंधेरा पाकर वो मजीद हवास गुम कर बैठी थी। अभी वो सोच ही रही थी कि वो कहाँ है और उन्होंने ख्वाब में क्या देखा था कि किसी नौजायदा बच्चे के रोने की चीख नुमा आवाज़ आई। ये आवाज़ उनके पहलू से आई थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। घबरा कर बेड की जानिब देखा। बेड पर अली निसार मौजूद थे और वहाँ कुछ ना था। अली निसार की लाइट जलते ही आँख खुल गई। इनकी नज़र मुतवहिश नाजनीन पर पड़ी तो वो परेशान होकर उठ बैठे। क्या हुआ नाजनीन? नाजनीन अली निसार के पास आ बैठी। वो कांप रही थीं। अली निसार ने उन्हें करीब करते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? जी, डरावना ख्वाब तो देखा ही, लेकिन आँख खुलते ही एक अजीब बात हुई। पहले ये बताएं, ये नाइट बल्ब किसने बंद किया? नाजनीन ने नीले 0 वॉट के बल्ब की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तो बंद नहीं किया। अली निसार ने बटन की तरफ देखा जो ऑन था। वो उठे और बटन को ऑन ऑफ किया। बल्ब न जला। मेरा ख्याल है फ्यूज़ हो गया। इस कमबख्त ने भी अभी फ्यूज़ होना था, नाजनीन ने गुस्सा किया। कुछ बताओ तो आखिर हुआ क्या? अली निसार नाजनीन के करीब आ बैठे। तब नाजनीन ने अचानक खौफजदा होकर आंख खुलने की बात की। उन्होंने कोई ड्रामा ख्वाब देखा था, ख्वाब उन्हें याद न था, बस एक एहसास था। फिर उन्होंने बताया कि अंधेरे में यूं महसूस हुआ जैसे कोई नौजायदा बच्चा इनके पहलू में लेटर चीख रहा है। मुझे लगता है कि ये भी तुमने ख्वाब में ही देखा, अली निसार ने नाजनीन की सारी बात सुनकर कहा। नहीं, इस बच्चे को चीखने की आवाज़ मैंने पूरे होशो हवास में सुनी। नाजनीन इस चीख को ख्वाब का हिस्सा मानने को तैयार न थी और अभी ये बहस चल ही रही थी कि वॉशरूम से फिर वैसी ही रोने की चीख नुमा आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इंतहाई करख्त और तेज़ थी। हाय अल्लाह, नाजनीन खौफ के मारे अली निसार से लिपट गई। क्या आपने ये आवाज़ सुनी? हाँ, मैं देखता हूँ। अली निसार उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़े। वॉशरूम का दरवाज़ा मुकम्मल बनना था, थोड़ा सा खुला हुआ था। अली निसार ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। अंदर मलकुचा सा अंधेरा था, कुछ दिखाई ना दिया। उन्होंने वॉशरूम की लाइट जलाई। इतने में नाजनीन भी बेड से उठकर दरवाजे पर आ गई थी। अली निसार ने वॉशरूम के अंदर जाकर अच्छी तरह मुआयना किया, लेकिन उन्हें कहीं कोई बच्चा दिखाई ना दिया। वक्त गुजरने के साथ वहशत बढ़ती गई। नाजनीन पर हर दम एक घबराहट सी तारी रहने लगी। प्रोफेसर मुजाहिद का इलाज जारी था। इन्हें हर बात से आगाह किया जा रहा था। इनका ख्याल था कि जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती, इस किस्म के वाकयात पेश आते रहेंगे। बच्चे की पैदाइश के बाद हर तरफ सुकून छा जाएगा। बच्चे के जन्म में अभी 3 माह बाकी थे। नाजनीन वहशत में मुब्तला थी। जो कुछ उन पर बीत रही थी वो इनका सुकून बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। अब उन्हें सिर्फ बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, बल्कि बच्चा दिखाई भी देने लगा था। अजीब उलखलकत बच्चा, इसके सर और चेहरे पर बेपनाह बाल थे, किसी बनवानस की तरह। वो किसी भी वक्त कहीं भी दिखाई दे जाता। कभी पहलू में लेटा घुर्रा रहा होता, कभी कालीन पर पड़ा हाथ पैर मार रहा होता, कभी नाजनीन कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलती तो वो कपड़ों पर बैठा अंगूठा चूस रहा होता। नाजनीन उसे जब भी देखती, इनकी दिल खराश चीख निकल जाती। घर के अफराद परेशान होकर इनके कमरे की तरफ भागते। क्या हुआ, क्या हुआ, सब पूछते। वो बेड पर बैठी रो रही होती, इनका पूरा जिस्म कांप रहा होता। फौरन प्रोफेसर मुजाहिद को इत्तला की जाती। वो अगर घर पर होते तो बिला ताखीर आ जाते, झाड़ फूंक करते, पानी दम करके देते और नाजनीन के सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते। बेटा,
बस थोड़ा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। दोपहर का वक्त था, नाज़नीन खाना खाकर बेड पर नींद दराज थी। बेडरूम का दरवाज़ा खुला था लेकिन पर्दा पड़ा हुआ था। इत्तेफाक से वो दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, अचानक पर्दा हिला और वो नौज़ायदा शैतान बच्चा चलता हुआ अंदर आया और बेड के नज़दीक आकर बोला, अम्मा दूदू। नाज़नीन के होश उड़ गए, वो चीख भी ना सकी। इनकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। नाज़नीन जाने कितनी देर बेहोश पड़ी रही। फरीदा किसी वजह से कमरे में आई तो उन्होंने नाज़नीन को बेहोश पाया। वो दौड़कर अपने शोहर निसार अयूब के पास गई, उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। फौरी तौर पर नाज़नीन को अस्पताल पहुंचाया गया। गुमान ये था कि ब्लड प्रेशर एकदम हाई होने की वजह से नाज़नीन पर बेहोशी तारी हुई है, लेकिन ऐसा ना था। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था लेकिन दीगर मामलात कंट्रोल में नहीं थे। इमरजेंसी में ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। अली निसार और प्रोफेसर मुजाहिद अस्पताल पहुंच चुके थे। प्रोफेसर मुजाहिद ने निसार अयूब को हिदायत कर रखी थी कि डिलीवरी के वक्त इन्हें ज़रूर अस्पताल बुलवा लिया जाए। अगरचे फितरी तौर पर बच्चे की पैदाइश में कुछ वक्त बाकी था, लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र ऑपरेशन नागुजीर था। ये छोटा अस्पताल था, बुनियादी तौर पर मेटर्निटी होम था। इस अस्पताल की रूह रवां एक तजुर्बेकार लेडी डॉक्टर निकत खान थी। वो इतला मिलते ही अस्पताल आ चुकी थी, ऑपरेशन जारी था। प्रोफेसर मुजाहिद अस्पताल के प्राइवेट रूम में बैठे सर झुकाए कुछ पढ़ रहे थे। एक कुर्सी पर निसार अयूब और बेड पर अली निसार बैठे थे। फरीदा ऑपरेशन थिएटर के सामने मौजूद थी। वो दिल ही दिल में बहू के खैर आफियत फारिग होने की दुआ मांग रही थी। ऑपरेशन थिएटर में अजीब पुरसरार सी सनसनी थी। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, पहले तो डॉक्टर निगत के हाथ कांपे, फिर कमज़ोर दिल नर्स इसे देखते ही बेहोश हो गई। आया ने उसे हाथ लगाने से इनकार कर दिया। वो चीखती हुई बाहर भागी। डॉक्टर निगत के हाथों हजारों बच्चे दुनिया में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अजीबुल खलकत बच्चा आज तक नहीं देखा था। इसका चेहरा बालों से ढका था, गोल सी आंखें, स्याह रंगत, गैर मामूली हाथ पांव जो अंदर की जाने मुड़े हुए थे। ये इंसान का बच्चा था ही नहीं। पैदा होते ही उसने इंतहाई करीह चीख मारी और उठने की कोशिश की। इस बच्चे को देखकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद स्टाफ की जान निकल गई। सबसे पहले आया थिएटर से निकलकर भागी, फिर बेहोश नर्स के अलावा वहां कोई ना रहा। अगर डॉक्टर निगहत मजबूत आसाब की ना होती तो शायद वो भी बेहोश पड़ी होती या सर पर पैर रखकर ऑपरेशन थिएटर से भाग चुकी होती। फरीदा ने चीखती हुई आया को थिएटर से निकलते देखा तो वो दिल थाम कर रह गई। आया फरीदा के करीब आई और बमुश्किल बोली, खुदा की कसम बाजी, वो इंसान का बच्चा नहीं। या अल्लाह रहम, या अल्लाह खैर, फरीदा ये कहती हुई कमरे की तरफ भागी। प्रोफेसर मुजाहिद और निसार अयूब इन्हें दरवाजे के बाहर ही मिल गए। फरीदा को खौफजदा देखकर वो इनकी तरफ बढ़े, बेगम खैर तो है? वो बच्चा, वो बच्चा। फरीदा ने रुककर गहरा सांस लिया और फिर बोली, वो इंसान का बच्चा नहीं, पता नहीं क्या है। परेशान ना हो, इसे चादर में लपेटकर बाहर ले आए। प्रोफेसर मुजाहिद जल्दी से बोले, वो जानते थे किसका बच्चा है? हाय नहीं, फरीदा ने खौफजदा होकर कहा। बेगम, मैं आपके साथ चलता हूँ, डरे नहीं। डॉक्टर से कहीं वो बच्चा हमारे हवाले कर दे, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। निसार अयूब ने फरीदा का हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाते हुए कहा। फिर अंदर क्या हुआ, किस तरह हुआ, बहरहाल फरीदा इस बच्चे को चादर में लपेट कर बाहर ले आई। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर निसार अयूब मौजूद थे। उन्होंने लपक कर इस शैतान को अपने हाथों में ले लिया और तीर की तरह वहां से निकले। रास्ते में प्रोफेसर मुजाहिद मिल गए। वो इस गैर इंसानी बच्चे के लिए इंतहाई मुस्तरब थे। उन्होंने चादर खोलकर एक नज़र इस शैतान को देखा। वो इन्हें देखकर गैर इंसानी आवाज़ में गुर्राया और हाथ पांव मारने लगा। प्रोफेसर मुजाहिद ने इसके चेहरे पर चादर डालते हुए कहा, निसार अयूब जल्दी चलें, ये मरने ना पाए। कमरे में जाकर अनारा बेड पर बैठ गई। इसके दिल को सुकून ना था। बार बार अफशां का तड़पता जिस्म इसकी निगाहों में आ जाता था। इसे असद पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने मासूम अफशां को इंतहाई अय्यारी से अपने जाल में फंसाया था। सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी, तेजाब तो उसे पिलाया जाना चाहिए था। इसका जी चाह रहा था कि वो उड़ती हुई चली जाए और उसे तेजाब से भरे ड्रम में धक्का दे दे, लेकिन वो ऐसा ना कर सकती थी। इसने सोचा,
माई पंखी से बात करे, उसकी मदद से वो असद के ठिकाने पर पहुंच जाए। वो एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल आई।